वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन आई एम हियर टू प्रोवाइड यू क्लास ट्वेल्थ फ्लैमिंगो पोएट्री सेक्शन पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो इस सेकंड पोएम के हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एडिशनल एक्सरसाइज कॉम्प्रहेंसन जो स्टेंजा वाइज दिया गया है, जो कॉम्प्रहेंसन है उसमें आपको हिंट दिया है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहला स्टेंजा आपका है फार फार फ्रॉम डॉट डॉट अदर दैन दिस। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रंस फेसेज टू रूटलेस वीड्स। इसका आंसर है द चिल्ड्रंस फेसेज आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स बिकॉज दे आर इनसिक्योर इल फेड एंड वेस्टर्स। और सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द अनलकी हीयर वाई इज ही सो कॉल्ड। आंसर है द थिन स्लम बॉय इज द अनलकी हीयर ही इज सो कॉल्ड बिकॉज ही हैज इनहेरिटेड पॉवर्टी डिस्पेयर एंड डिजीज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हुज आइज लिव इन अ ड्रीम वाट इज हिज ड्रीम। आंसर है अ स्वीट एंड यंग बॉय ऑन द बैक बेंच इन द सेमी डार्क क्लासरूम ड्रीम्स ऑफ कोरल्स गेम इन अ ट्री अदर देन द प्रेजेंट रियलिटी। स्टेंजा नंबर 2 जो स्टार्ट होता है ऑन सावर क्रीम वाल से लेकर के स्टार्स ऑफवर्ड्स तक, जिसका पहला क्वेश्चन है Why are the walls of the classroom described as being sour cream? Answer है The sour cream may indicate a dirty yellowish color. The poet has used this expression to represent the color and the situation of the children in the classroom and the underlines neglect in their lives. तो चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ पिक्चर्स ऑफ द मैप एंड द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर दैट डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। आंसर है द चिल्ड्रन इन द स्लम बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी हंगर एंड स्टारवेशन। इट इज अ वर्ल्ड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग लुक्स फॉगी दैट इज वाई द पोएट सेज दैट द पिक्चर एंड द मैप इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द मैप ऑन द वॉल सीम टू प्रोक्लेम। द मैप ऑन द वॉल प्रोक्लेम्स अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड विद ब्यूटीफुल प्लेसेज वैलीज शिप्स ईटीसी। स्टेंजा नंबर 3 सेवरली से लेकर के जो एज बिग एज अ डूम तक जाता है, पहला क्वेश्चन इस पर जो बेस है व्हाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब एज विकेड व्हाट इफेक्ट डज ही हैव ऑन द चिल्ड्रन। आंसर है इसका शेक्सपियर इज डिस्क्राइब्ड एज विकेड बिकॉज देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन शेक्सपियर्स वर्क्स एंड द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। ही पोर्ट्रेज अ वर्ल्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप एंड लव इन हिज राइटिंग्स व्हिच इज कंप्लीट कंट्रास्ट टू द ब्लीक फ्यूचर एंड अ लाइफ फुल ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर व्हिच द स्लम चिल्ड्रन लीड। In frustration, they try to snatch and steal what they can't have and thus end up criminals. Question number 2. Why is the map a bad example? The map shows a world that is beautiful and bright. In contrast, the world for these slum children is confined to the narrow and dirty streets of slum. Their world is dark with no hope of improvement in the future. Hence, the map is a bad example. Question number 3. How are the children of the slum school described? The children of the slum are insecure as they are undernourished and depressed under a bad environment where their aspiration and plan were carried away and never had an open and free life where they can lay their dreams and always condensed in an injustice domain. Stanza number 4 jo unless se lekar ke 10th tak jata hai, jo is par based pehla question hai. How does the map act as a window for the children of the slum? Why does the poet say that the window is shut? The map on the walls gives a glimpse of the world outside as a window does. The
बट द पोएट सेज दैट द विंडो इज शट बिकॉज द चिल्ड्रेन डू नॉट हैव अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाट आर कैटाकॉम्स? वाट लीव द चिल्ड्रेन ग्रुपिंग इन कैटाकॉम्स? कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड सेमेट्री. द पोएट यूज द सिंबल ऑफ कैटाकॉम्स इन कनेक्शन विद द लाइव ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम ऑफ द स्कूल ऑफ द स्लम बिकॉज फॉर देम द मैप विच इज हैंगिंग ऑन द वॉल डज नॉट बिलोंग टू देम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इन टू बुक्स? आंसर है इसका, द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रेन टू लर्न एज मच एज दे कैन एंड टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम नेचर विदाउट एनी रिस्ट्रक्शन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे चलते हैं. तो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रेन? द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लम चिल्ड्रेन इन कंट्रास्ट टू अदर चिल्ड्रेन इन सोसाइटी. द स्लम चिल्ड्रेन आर लाइक रूटलेस वीड्स अनवांटेड बाई एंड नॉट बिलोंगिंग टू सोसाइटी. देयर हेयर इज अनकेप्ट एंड दे हैव पेल फेसेज विच क्लियरली इंडिकेट देयर डिप्राइव्ड एंड अंडर नॉरिश्ड कंडीशन. क्वेश्चन नंबर टू, वाट इज द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम लाइक? द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम हैज डर्टी येलोइश कलर वॉल्स, सेमी डार्क एंड वॉल्स डेकोरेटेड विद पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर एंड पिक्चर्स फुल ऑफ आउटसाइड ब्यूटी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली होप फॉर द स्लम चिल्ड्रेन? अकॉर्डिंग टू द पोएट द ओनली होप फॉर द चिल्ड्रेन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एंड विजिटर्स. दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन सो दैट दे कैन मूव आउट ऑफ देयर स्लम्स एंड बी पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर फोर, वाट डज स्टीफन स्पिंडर कंसंट्रेट ऑन इन हिज पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? द पोएट कंसंट्रेट्स दैट द चिल्ड्रन शुड बी सोन ग्रीन फील्ड्स, दे शुड बी अलाउड टू लिव अ फ्री एंड केयर फ्री लाइफ विदाउट एनी वरी, दे कैन कंसंट्रेट वेल ऑन देयर स्टडीज. क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड सजेस्ट्स हाउ कंकरर्स एंड डिक्टेटर्स अवॉर्ड एंड डिवाइड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विम्स. दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड इम्पोर्टेंट पीपल. क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज वी गैज डूम. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. यहाँ पे टू टाइम्स राइट हो गया है, तो आप एक बार ही राइट करेंगे. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम मीन्स द स्लम ऑल अराउंड द एलिमेंट्री स्कूल फॉर द स्लम चिल्ड्रेन आर सो मच रियल दैट ईवर नैगिंग दैट दे एक्लिप्स द वर्ल्ड मैप शेक्सपियर पोर्ट्रेट एंड द सीनरी ऑफ टायरोल. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आप सभी लोग इसे राइट कर लेंगे और अगली जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे. तब तक के लिए बाय बाय.